फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो गया आज का मेरा सुबह का सब काम। अभी बस सुबह भी जो मैंने वेजिटेबल्स वगैरह सब ऑर्डर किए थे वो वेजिटेबल्स भी आ गए हैं। वो सब सारी वेजिटेबल्स को मैंने अच्छे से वॉश वगैरह सब कर रखा है, एंड कोरिएंडर लीव्स, चिली लीव्स सब स्टोर करके उसे अच्छी तरीके से रख रही हूँ। अभी लास्ट ईयर मैं काफ़ी यू नो तभी 2020 में मैं जैसे जिस तरह का पैंडेमिक चल रहा था तभी भी तो घर पे ही रहना पड़ता था। सो जो भी वेजिटेबल्स या जो भी वगैरह बाहर से चीज़ें आती थी उसे अच्छी तरीके से सैनिटाइज करके आइसोलेट करके मुझे मैं रखती थी, एंड वेजिटेबल्स वगैरह भी जैसे ही मैं बाज़ार से ले आती थी उसे अच्छी तरीके से वॉश वगैरह करके मैं उसे थोड़ा सब वेट वाटर में मतलब वाटर में रख के भिगो के उसमें हल्का थोड़ा सा सोडा डाल के कुछ 10 मिनट्स के लिए रख देती थी। फिर उसे वॉश करके अच्छी तरीके से उसे मैं ड्राई होने देती थी। फिर इवनिंग तक सारे वेजिटेबल्स को मैं रेफ्रिजरेट कर देती थी। बट फिलहाल मैं अभी सोडा वगैरह डाल के मैं वॉश नहीं कर रही हूँ। अंडर टैप में, अंडर रनिंग वाटर में अच्छी तरीके से वॉश वगैरह करके उसे अच्छी तरीके से मैं उसे स्टोर करके रख रही हूँ। मेरे सारे वेजिटेबल्स वॉश हो गए, सबको वॉश करके अच्छी तरीके से मैंने उसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सारी चीज़ों को मैंने वॉश करके रख दिया। कोरिएंडर लीव्स को भी मैंने अच्छी तरीके से इसे वॉश करके इसे अच्छी तरीके से ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद मैं उसे इस तरीके से स्टोर करके रखूँगी। इसमें मैंने पेपर डाल दिया है, आप इसमें टिशू वगैरह टिशू पेपर्स भी रख सकते हैं। रख के इसे इसमें रख के कोरिएंडर लीव्स को इसमें रख के इसे इस तरीके से ढक के फिर आप इसको कवर करके रेफ्रिजरेट कर दीजिए। ये अच्छा खासा हफ्ता दो हफ्ता स्टोर फ्रेश रहता है एकदम। एंड इवन मैंने चिलीज वगैरह जो है मैंने इसे अच्छी तरीके से वॉश करके उसके सारे स्टेम्स वगैरह निकाल दिए। स्टेम्स निकाल के फिर उसे मैंने टिश्यू पेपर बॉक्स में मैंने टिश्यू पेपर रख के फिर उसमें चिलीज स्टोर कर दिए। चिलीज रख के इसे इस तरीके से कवर करके उसे बंद करके मैं उसे स्टोर कर दूँगी। सारी चीज़ें हो जाने के बाद मैं अच्छे से इसे सैनिटाइज अच्छी तरीके से मैं उसे सारा किचन सैनिटाइज वगैरह कर देती हूँ। फिर रेस्टिंग टाइम। इसको कोरिएंडर लीव्स हुआ, चिलीज हुआ, ये सबको ऐसे स्टोर करके रखने से ये काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहता है, एंड यू नो ये सड़ते या सूखते नहीं है। ऑल्सो करी लीव्स को भी मैं उस तरीके से वॉश करके उसे सारे पत्तों को मैं निकाल के उसी तरीके से मैं यू नो स्टोर करके रेफ्रिजरेट करके रख देती हूँ। जिंजर लेमन सारी चीज़ों को वॉश करके अच्छी तरीके से स्टोर करके रखने से वो क्या होता है उसके जो भी है वो बाहर रहती है, बाहर से आती है धूल मिट्टी वैसी लगी रहती है, तो उस तरीके से उसे वॉश करके रखने से वो क्लीन भी रहता है। एंड जब भी उसे कुछ बनानी होती है निकाल लीजिए, आप उसे फिर से थोड़ा सा वॉश कर लीजिए और फिर बना लीजिए। लास्ट ईयर लॉकडाउन में तो मैं इतने सारे लीफी वेजिटेबल्स भी ला के उसे मैं अच्छा खासा रनिंग वाटर में लेके पूरा, जैसे मेथी हो, पालक, शेपू, लाल मट हो, जितनी भी तरीके के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आई लव लीफी वेजिटेबल्स टू ईट अ लॉट, तो वो सारी चीज़ों को ला के मैं अच्छी तरीके से उसे साफ वगैरह करके क्लीन करके उसे फिर मैं नो अच्छी तरीके से मैं क्या करती थी, मैंने कहीं पे तो देखा था उसे नो अच्छे साफ़ कपड़ों में उसे लपेट के उसे वॉशिंग मशीन में डाल के ड्रायर कर दीजिए। फिर उसे दो बारी आप उसे ड्रायर कर दीजिए, फिर वो अच्छा खासा पूरा लीव सूख जाता है। उसको फिर आप अपना पॉलीथीन बैग में हो या किसी भी तरीके से आप स्टोर करके उसे फ्रिज में रख दीजिए, वो आराम से 2-3 हफ्ते रह जाते हैं। तो इस तरीके से वो जल्दी सड़ते भी नहीं है, सूखते भी नहीं है, और काफ़ी फ्रेश भी रहती है।